मैं कोई बुद्धिज्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इतिहास का छात्र हूँ और हिंदी साहित्य पे भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर सकता। अहंकारी नहीं हूँ लेकिन बिगड़ा चला कहता हूँ अपने आप को, और हर समय जो है ना रेडी रहता हूँ लड़ाई के लिए, वो 24/7। अहंकारी नहीं हूँ। अब मैं सोच रहा था मैं बोलूँ क्या, तो बचपन से जब चौथी पाँचवीं से मुझे याद है कि थोड़ा सा सेंस जब आया तब से मैं नास्तिक हूँ। कोई कर्मकांड पूजा नहीं। मेरी शादी 30,000 कोर्ट में गई हुई थी और 2 वकील बुलाया था। जब पता लगा कि शादी होने वाली है रतनलाल की, तो वहाँ 200 वकील आ गए थे, बराती वहीं आ गए थे, 45 रुपया फीस दिया था। कोई कर्मकांड नहीं करता, बाबा साहब की मूर्ति खाली और फोटो वहाँ लगा हुआ है। तो बहरहाल बचपन से आदत थी, गांव में जब रहते थे तो खपड़े का नहीं होता है वो टूटा हुआ, तो तालाब में मार के देखते थे कितना तरंग जो है जा रहा है। वो आदत अभी भी बरकरार है कि स्टेटस को, शांति सब कुछ ठीक नहीं हो, शांति और स्टेटस को जो होता है उसमें एक तरह का शोषण दमन सब कुछ रहता है और समाज में हर समय है, अभी भी है, लगातार है। इतिहास का छात्र हूँ, इस दृष्टिकोण से मैं सोच रहा था क्या बोलूँ। मैं एक लाइन डॉक्टर अंबेडकर को, मैं अंबेडकर पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा तो मैं पहले मार्क्सवाद के संपर्क में आया, क्योंकि इतिहास जब पढ़ते हैं, आप तो रामदास कॉलेज के छात्र रहे हैं, तो मार्क्सवाद थोड़ा पढ़ा। उसके बाद हमारे यहाँ इसलिए बात कहना ज़रूरी है कि अगर वाकई बुद्धिज्म और इससे बात कर रहे हैं, जितना बहुत कुछ थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ, सबसे पहले अहंकार को का नाश कीजिए। अहंकार का अगर नाश नहीं, स्वाभिमानी होइए, लड़ाका होइए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये अंबेडकरवादी है, ये बुद्धिस्ट है, ये वो है, वो है, ये सर्टिफिकेट मत बांटिए। और कुछ अतिवाद भी है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और संविधान के प्रोविजन पे भी बताऊंगा थोड़ा सा, कि हम सर्टिफिकेट बांटने के चक्कर में ही अंबेडकर पढ़ना शुरू कर दिए। मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जिसको देखो इंटरनेट पे 50 रुपया नेट पैक कराएगा, बोल देगा ये अंबेडकरवादी नहीं है। कौन मैं नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, अभी कैसे हो जाऊँगा मार्क्सवादी बनने के लिए? मार्क्स पढ़ना पड़ता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, क्लास स्ट्रगल क्या है। तो जब अटैक हुआ कि ये हम तो थे ही नहीं, अभी भी नहीं है, हम उसको बनने के प्रोसेस में हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बुद्धा क्या बोलते हैं कि मैं कह रहा हूं इसलिए भी मत मान, इससे बड़ा साइंटिफिक ज्ञान क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूं अपने से जांचो परखो तब उसको मानो। इतनी छोटी सी बात आम जीवन में हम लोग नहीं व्यवहार करते हैं। भाई मैं तो इस देश में रहता हूं, बचपन से नास्तिक हूं, अभी क्या बनूंगा नहीं बनूंगा पता नहीं, नास्तिक हूं रहूंगा ये तो तय है। कोई कहा, मैं अभी बोला भी कि मैं सफाई अभियान में हूँ, राजेंद्र जी कुछ और काम कर रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं, रास्ते एक ही है। आप लोग डर जाते होंगे सब, और एक भूल जाऊंगा इसलिए पहले आपको याद दिला दे रहा हूँ। 5 दिसंबर 1954 का बुद्धिस्ट शासन काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर का मेमोरेंडम है, 10 पेज का है वो। आप उसकी छोटी सी पुस्तिका बनवाएं 10 पेज का, 5 पेज जितना ही बनेगा, उसको पढ़े बगैर जो है ना, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी कोई जानकारी नहीं है, उसको पढ़े बगैर हमको लगता है हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ये कैसे प्रचार होगा। भंते जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं कई जगह बौद्ध विहार में गया हूँ और कई रविदास टेम्पल गया हूँ, वो बनाने बुद्धिस्ट सोसाइटी भी आप जाके मेरे यूट्यूब पे देखिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बुद्धिस्ट एजुकेशन से पूरी किताब तैयार कर रहा हूँ, उसका नाम है धर्मांतरण। हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा और एग्जाम्पल दे के साबित करने की कोशिश करूँगा। जितने बने हैं जाकर देखिए, उसका पर्पस ये था ना कि आस पास के लोग आएंगे, उसको धम ये पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग हर जगह खाली किराया लगाते हैं, किराए पे चढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसका मेन पर्पस, ये जमीन जो खरीदी गई थी, इसका नाम पहले लुटियन, ये म्यूटनी रोड था, झांसी रानी रोड, मैंने पढ़ा है। तो आप लोग इसमें घबराने के, बहुत लोग बुद्धिज्म कहते हैं ना तो बहुत लोग डर जाता है कि चीवर पहनना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा 10 पेज आप छपवा दीजिए। हम आम उपासक हैं, साइंटिफिक सोचिए,
सबसे पहले इतना ही काम अपने घर से कर दीजिए कि अपने घर में जितना आडंबर पाखंड जितना रिचुअल हो रहा है उसको करना आप बंद कर दीजिए, अपने आप बुद्धिस्ट हो गए। आस्था और पाखंड के जगह जिस दिन ज्ञान और विज्ञान का जगह आ गया, हो गया, यही तो बात है। और इसलिए कई बार वो धम्म पूरी प्रक्रिया है, कई स्टेजेस हैं उसके, ऐसे ही कोई भंते नहीं बन जाता, उसकी पूरी ट्रेनिंग है, प्रोसेस है। और कोई विचार विचारधारा अपने आप ट्रैवल नहीं करती है। बहुत तकलीफ के साथ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरा घर बिहार है और मैं बोध गया था, मैं तो बिगड़ा चला कहता हूँ बाबा साहब का, जो कहना है सामने कहता हूँ सीधा। दो भंते हमसे मिलने आए, मैंने कहा कि एक काम कीजिए भंते, आप 20-30 भंते जी हमको दीजिए, और गया में हमारे लोग हैं, आप जो है 50 आदमी मैं देता हूँ, और चलता हूँ घर घर जो है ना बुद्ध का प्रचार करने, घर घर चलता हूँ प्रचार करने। बोले नहीं मिलेगा, ये प्रचार करना घर घर जाकर हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जो पढ़े लिखेंगे समझेंगे आपके बीच लाना। ये बुद्धिज्म ऐसे आप एक बार कर देंगे 10 करोड़ आ जाएगा, उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको बनाए रखने के, उस टेम्पो को बनाए रखने के लिए। भंते जी वो घर घर जाके रोज घंटी बजाना पड़ेगा, आप नहीं जाते तो उधर से आते हैं पंडित जी, बांधते हैं कान में फूंक देते हैं उसको रोज। या ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, लंका में जाके भाषण दिए, बर्मा में जाके भाषण दिए, नेपाल में जाके भाषण दिए, रोज याद करवाना पड़ेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन होता है ना, इसमें बैप्टिज्म नहीं है कुछ भी, ईसाई में जैसे बैप्टिज्म होता है इसमें बैप्टिज्म नहीं। इसलिए एक आदमी बुद्धिस्ट हो भी जाता है तो उसको पता नहीं लगता है कि कब हिंदू है कब बुद्धिस्ट है। ये सब अम्बेडकर की बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। तो इसलिए रोज रोज जाके टन टन देखते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, पान के दुकान पे गए, घंटी बजाया, टीका लगा, 10 रुपया लिए, चल दिए। हाथ 5 चीज होना चाहिए हाथ में बस, और ये करना, ये नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर सामाजिक राजनीतिक क्लियरिटी नहीं है, अगर नहीं है क्लियरिटी, बाबा साहब जब घोषणा किए थे और जब धर्म परिवर्तन किए, 20 साल तैयारी हुई थी, तो 20 साल क्या कर रहे थे वो खाली, 20 साल में कितने आंदोलन किए, कितनी सभाएं हुई, तो सामाजिक राजनीतिक लड़ाई लड़े, हक हकूक की लड़ाई लड़ी गई। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जाके देखिए ना, बहुत बुद्धिस्ट बन गए, एक भी सीट नहीं जिता पाते, सब आरएसएस बीजेपी में जाकर वोट सबसे पड़ जाता। लीजिए, जब आप अपने शत्रु को नहीं पहचान पाए तो आप धम्म में कहां शिक्षित हुए। शत्रु को नहीं पहचानेंगे तो दीक्षा पूरी नहीं हुई। वहां पे देखिए, हम तो जाते हैं महाराष्ट्र में, लक्ष्मण साहब भी जाते हैं, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाए हुए है, खूंखार चीदा शेर का फोटो लगा के बहु। ये क्लैरिटी, ये होना बहुत जरूरी है। और हम लोग तो इस मिशन में है, हम लोग जितना हमसे, हमारा YouTube चैनल है, उस पर आपका चैनल है, आप प्रचार उसमें कीजिए, जितना बोलना है बोलते रहे, यही सब तो काम करते हैं। और गिरफ्तारी जो है वो कोई इसलिए नहीं, वो यूट्यूब के कारण हुई थी, उससे बहुत दर्द मरोड़ उठ रहा है। तो दोस्तों, कहने की बात ये है कि एक बात और बाबा साहब बोले थे, मंत्री जी बहुत नाराज होकर बोले थे आगरा वाला भाषण में, कि हमने जो है एक तोंद वाला मिडिल क्लास का फौज बना दिया, सिर्फ तोंद वाला टर्मोलॉजी है, तोंद वाला। भाई सबसे पहले अभी हम अभियान चला रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को कहा है कि नौकरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है। तो बोले क्या करना है, बोले कि राजा बनना है, ऐश करो, दुनिया घूमो, जाओ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ो। अब वो समय आरक्षण प्रारक्षण खत्म है मामला, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़िए नहीं, 10 पोस्ट रहता है 10, और उसके लिए अपने बच्चों को जो है ना गर्दन पकड़ के उसको लगाए रहते हैं कि IAS बनो तो PCS करो तो ये करो। सब सारा हमारा ब्राइट मिडिल क्लास वो जाके बाबू बनता है वहाँ, बेचारा 60 साल तक बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो संडिंग कर देगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कर देगा, केस में फंसा देगा। क्योंकि आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए, विचारधारा को,
लगातार बड़े संख्या में आपको इंटेलेक्चुअल चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए। बाबा साहब बोले थे कि जो उपासक जो प्रचार करने जाएंगे, प्रचारक, उसको सैलरी दिया जाए, पहले पार्ट टाइम इंतजाम किया जाए पूरा, इसीलिए कह रहा हूं उसको एक बार पढ़ा जाए और बौद्ध मठों में भी उसको पढ़ा जाए और आम लोग भी पढ़ें। ये कैसे होगा प्रचार? अमीर लोगों को धर्म की जरूरत नहीं होती, अमीर लोगों को जरूरत नहीं होती कि उसे सारी भौतिक आवश्यकताएं, मटेरियल जो गेंस होते हैं पूरे होते, धर्म की जरूरत। ये सब बाबा साहब के शब्द हैं। तो सबसे पहली वही बात है कि बच्चों, देखिए लड़ाई बड़ी है, 60 साल रिटायर करने के बाद आएंगे कि हम मिशन चला रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं होगा। सॉरी, ये लक्ष्मण है, इसकी परमानेंट नौकरी नहीं है, एडहॉक पढ़ा रहा है, बोल रहा है ना भारत भर में, दुनिया भर में सुन रहा है ना लोग, इसके ऐसे लोग चाहिए ना। अकेले लक्ष्मण रतन लाल से होगा, ऐसे 1000 लोग चाहिए, एक कोने कोने में बोलने वाला आदमी चाहिए, है ही नहीं। अच्छा, हम लोग में जो भी दो चार बोलने वाला है, हमारे में कैसा तबका है, उस सर्टिफिकेट बांटते रहता है। अरे अपना काम करो ना यार, मैं तो किसी का क्रिटिक नहीं करता, अपना काम करो। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पर कुछ मुझे बोलना होगा तो मैं राजेंद्र पाल जी, गौतम जी से थोड़ी आऊँगा परमिशन लेने, हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में थोड़ी जाएंगे परमिशन लेने। एक प्रोफेशनल, वो आप वकील हैं, एज ए एडवोकेट आप कोई बात बोलेंगे तो इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से परमिशन थोड़ी लेंगे रोज रोज कि वहाँ अर्जी लगाएंगे कि लक्ष्मण साहब क्या बोलेंगे जाके वहाँ महाराष्ट्र में, ऐसे नहीं होता। डेमोक्रेटिक स्पेस बना के रखिए। बाबा साहब ने उसी संविधान में सब धर्म को मानने की आज़ादी दी है ना, दी है कि नहीं दी है? हैं, आप एक स्ट्रीम करते हैं तो वो भी अतिवाद है, वो टूट जाएगा। आपको जो करना है करिए, धीरे धीरे। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मेरे ससुर जी अब नहीं है इस दुनिया में, वो घोर आस्तिक थे, हिंदू कट्टर, और मरने से 2 साल पहले नास्तिक होकर उनकी मृत्यु हुई। मेरी पत्नी, हम तो आडंबर पाकड़ने के खिलाफ कोर्ट चले गए, मेरे घर वाले भी नाराज हुए, कोई बात नहीं, हम मुझे नाराज करने में मजा आता है, हम सबको खुश करने के लिए यहाँ पे नहीं। बोले मंदिर ला दो पूजा करेंगे, हम लिए जरूर ला देते हैं। पचकुलिया में 500 रुपया का मंदिर लकड़ी वाला मिलता है, ला के टांग दिए दीवार पे, हमें रोज रोज कौन झगड़ा करेगा। हम लिए ऐसा स्थिति पैदा कर देंगे कि मंदिर में जो है धूल मिट्टी रहेगा, अपने उतार के बाहर फेंक के आ गए। और अम्बेडकर नामा पर देखिए, पूरा सावित्री बाई फूले और तमाम ऐसे लिटरेचर में वीडियो बना के डालती हैं। जबरदस्ती अतिवाद नहीं करना। आप कहीं आपके मित्र दोस्त हैं और आपकी शादी हो रही है, ब्राह्मण त्रिति से हो रही है, तो क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे? 24 कैरेट गोल्ड खोजिएगा तो आप डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं। आप जिस स्टाफ रूम में बैठते हैं, जिस कलीग के साथ रहते हैं, ब्राह्मण है टिफिन निकाल लेगा तो खाना नहीं खाएंगे। ये तो एक प्रोसेस है बातचीत से, तो उसको दिमाग में धीरे धीरे डालना है, बात धीरे धीरे डालना है। मेरा तो बच्चा सब छोटा है, वो सब भी नास्तिक है, कोई पूजा पाठ कर मिठाई कोई लेके आता हम खा लेते। और धर्म और त्यौहार में अंतर है, आपके कोई त्यौहार ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ करने से पहले, अब गौतम साहब मिठाई खिला, मिठाई समझे खाते हैं, हैं, शादी ब्याह में जाते हैं दबा के खाते हैं, बोले कि शाकाहारी है तो मज़ा नहीं आता, कुछ यही खिलाओ, मांसाहारी खिलाओ। तो थोड़ा जीवन में जो है ना, थोड़ा रस भी लाइए, थोड़ा हंसने बोलने फ्लेवर, हर समय सीरियस एकदम ये कर देना है तो ऐसे नहीं होता, लोग उससे टूटते हैं, बिदकते हैं। तो इसलिए अगर ये आपकी चॉइस है, और आप लोग ये कन्फ्यूजन पहले दूर कर दीजिए कि आप बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो इसे चीवर पहनना, वो भंते लोग का काम है, हम लोग का काम है आम उपासक। आम उपासक सब काम करते हुए है ना, दैनिक जीवन जीते हुए आपको सिर्फ एक काम करना है, पाखंड और आडंबर में नहीं, यही बुद्धिज्म है, मेरे समझ में यही आप एकदम नॉर्मल इजी। इतना कोड ऑफ कंडक्ट मत, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है और वो भी पूरा फॉलो नहीं होता, ये भी मैं कह रहा हूँ, वो भी पूरा फॉलो नहीं होता है। 5 सब बुद्धिज्म में लिखा, बाबा साहब बताए हमको किताब में लिख के। तो इतना कोड ऑफ कंडक्ट वो लय, आप अतिवाद में जा रहे हैं, खाली आडंबर पाखंड हटाइए, आ किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है, इतना आगे आप हो गए बुद्धिस्ट, और कुछ नहीं करना है। तो महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस हमारा गड़बड़ है ना, बहुत चेतना है वहाँ पे, बाबा साहब को लेकर, धर्म को लेकर बहुत चेतना है। और वहाँ देख लीजिए सामाजिक, हर समय राइट विंगर्स
ऑलमोस्ट होता है जो आपके खिलाफ है, तो आप चेतना हो गई और आप उसी को वोट दिया, तो डंडा से तो पीटेगा ही ना, पीटेगा कि नहीं पीटेगा। तो ये हमारा काम ये भी है कि आप अपना काम कीजिए। कहाँ गए भंडारी जी? हाँ हाँ उधर है। हम लोग का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम है, वो सब पैकेज डील है। बाबा साहब 20 साल ये तैयारी किए थे, पैकेज में है, अलग अलग नहीं है। ये क्लैरिटी रखना पड़ेगा। और जो जैसे कहते हैं ना, जो ब्राह्मण धर्म में जब शादी होती है तो कई तरह का विधि रीति होता है, तो उसमें कहते हैं कि भाई पान नहीं मिला क्या? बोला पान नहीं रहा, पान का डंडी ला उसी से काम चला लेंगे। तो जो जितना जैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सबका वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। फुटबॉल मैच की तरह पास दीजिए, गोल हो जाएगा। अब हम ही ये चला रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम ही ये करेंगे, हम ही सर्टिफिकेट देंगे, ये भी एक तरह का अतिवाद है। आप जाके मेरे सोशल मीडिया पे पूरा देखिए, मैं लीडर्स पे क्वेश्चन जरूर करता हूँ, लीडर्स पे, क्योंकि वोट लेता है हमसे, चंदा भी लेता है, और उसी वोट से मुख्यमंत्री या पीएम या सीएम क्या बनने का दावेदारी करता है, तो उनके मोडस ऑपरेंडी पे, उसके काम करने की शैली पे मैं सवाल जरूर उठाता हूँ। लेकिन कोई भी सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी अगर लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, उस पर मैं कभी कुछ नहीं, क्या लक्ष्मण ठीक कह रहा हूँ, कभी कुछ नहीं लिखता। क्यों? अरे कुछ तो कर रहा है ना, लाखों संगठन है तो है, तो है कुछ तो हो रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं था, टिम टाम तो हो रहा है। चेतना का विकास ये हमको बोले, मैं तो प्रोफेसर 25 साल हो गया, 4 साल से अंबेडकर पर होता, आप हमसे पूछें कि क्यों नहीं, आप अंबेडकर बाद नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं था, कैसे पढ़ लेंगे? हम आज भी दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इट शुड बी क्वाइट, है ना, पूरा थोड़ा लचीला रहना चाहिए। और इसमें एकदम मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक शपथ हमें दे दीजिए एकदम ईमानदारी से, घर में जितना कूड़ा कचरा होगा वो सब निकाल के, अगर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में नहीं होगा, निकाल के जमुना में जाके वहाँ पे पहले ख़त्म कीजिए। आडम्बर सब प्रोसेस में चलेगा, एकदम एकदम वाटर टाइट फौज नहीं है, ये धम है ना। तो आम लोगों के लिए सिस्टम अलग है, भंते जी के लिए सिस्टम अलग। मैं आज भी आग्रह कर रहा हूँ विद फोल्डेड हैंड्स कि कम से कम ये सभा में जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं जो एक्टिविस्ट, कि जमीन थोड़ा और खोदो, ठीक से खोदो, वहाँ बौद्ध विहार मिलेगा, ये थोड़ा सा बोलिए, लोग निकले, निकल नहीं रहे। बौद्ध धर्म ऐसे नहीं प्रचार होगा, प्रचार करना पड़ेगा, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। हम लोग तो आम उपासक हैं, ऑर्डिनरी मैन है, पढ़ेंगे, बोलेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये करना, ये जितने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जितने बौद्ध मठ हैं, जितने भंते हैं, उनकी जिम्मेदारी है रोज काम करना, यही उनका काम है। सारी जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम पर, लक्ष्मण यादव पर, इन पे मत डालिए, आप इसी काम के लिए बने, आपका फुल टाइम काम है। और नहीं जाइएगा तो बांधेगा इसे, आ कान में बोल भी देगा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप वोट दिए कहीं और, मैडम कहीं और मारे, जाइए। तो साथियों क्षमा चाहूँगा, मैंने अगर थोड़ा क्रिटिकल में रहता हूँ, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि इतिहास में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बाबा साहब ने ही कहा कीप क्वेश्चनिंग, सवाल उठाते रहिए, सवाल नहीं उठाएंगे, और मैं 3-4 भाषण अगर बोलिएगा तो मैं दे दूँगा। मैंने पूरा धर्मांतरण पर 400 पेज का मटेरियल मैंने इकट्ठा किया, इम्पोर्टेंट लंका का भाषण है और बर्मा का है, वो रिटर्न उन्होंने दिया था, और बेंगलोर में उन्होंने वहाँ के क्या नाम था नवाब, उनसे 5 एकड़ जमीन लिया था, आज भी बौद्ध मठ वहाँ होगा। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ के ही वो सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का क्या हुआ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्या हुआ, उन्होंने बनाए थे, मिलिंद कॉलेज का क्या हुआ, सिद्धार्थ कॉलेज का क्या हुआ, उसके बाद जो सरस्वती शिशु मंदिर बना देश पे कब्जा कर लिया, हमारे संगठन का जो बाबा साहब बनाए थे क्या हुआ, कौन थे चलाने वाले, वो लोग कैसे चलाए, ये सवाल तो उठेंगे। तो इसलिए साथियों जितना सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, चर्चा करना कोई, इससे रास्ता निकलता है। अब कई जगह मैं जाता हूँ तो बुद्धिज्म जो बुद्ध रीति से भी शादी होती है तो कर्मकांड उसी तरह का रहता है, दहने में नहीं या बाएं में बांध रहे हैं। सबसे बढ़िया है बोलिए सबको कि बाबा साहब को मानते हो तो कोर्ट चले जाओ, 200 रुपया लगेगा, वो आराम से शादी हो जाएगी, कोई कुछ नहीं, संविधान मानो और बस हो गया खत्म,
कोई कर्म कांड रिचुअल, ज्यादा पैसा है दोस्त लोगों को पार्टी उठी करा दो, खाना उना खिला दो। तो ये सब मंत्री जी हमारी राय यही है कि वो भाषण सब मैं आपको दे दूंगा 10 पीस, बहुत इफेक्टिव होगा वो। हाँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें बाबा साहब ने कहा है कि अभी तक जितना जो है फिलोसफिकल चीज में ज्यादा फोकस है त्रिपिटक पर। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सोशल और जो मोरल इश्यूज हैं ऐसी पुस्तिका बने जिसमें उसमें फोकस हो। तो इसलिए वो हम छाट छाट के निकाल रहे हैं, आप लोग पढ़ना बहुत, उससे क्लैरिटी बहुत हो जाएगी ना, मुझे क्या करना है, भंते जी को क्या करना है, इनको क्या करना है। प्रोफेशनल लोग हमें तैयार करने पड़ेंगे, बगैर प्रोफेशनल लोग तैयार किए हुए ना एक दिन करा देंगे, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमें लोग तैयार करना पड़ेगा। इसलिए पहले जो बोला है बच्चा लोग को जो है ना नौकर बनाने की अब तैयारी मत कीजिए, बोलिए व्यवसाय करें, बिजनेस करें, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, CA बने, वकील बने, पत्रकार बने, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कोलंबिया जाए। इतना बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, कभी जिंदगी में अपने ड्रीम में नहीं आया कि मेरा बेटा उसी यूनिवर्सिटी में और मेरी बेटी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा जिसमें बाबा साहब पढ़े थे, कभी नहीं आता है सोच में। कह रहे हैं मिशन चल रहा है। अभी हमारे यूट्यूब से मंत्री जी एक बच्चा भी गया है लंदन, OBC समाज का है, 25 लाख रुपया उसी से हम इंतजाम करके दिए हैं हम लोग सब। एक गया है जर्मनी, दलित बच्चा है। एक 3 दिन पहले एक बच्ची का एडमिशन कराए हैं, दलित समाज की बच्ची है, पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, निफ्ट क्वालिफाई कर गई तो उसको पैसे नहीं थे, तकरीबन 5.5 लाख रुपए उसको क्राउड फंड करके अभी एडमिशन दिलाया, आज हम मेरे यहाँ मिलने आई थी। आप सब मैं हूँ, अरे इतने सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सरकार नहीं करे तो छोड़ो ना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे पैसा, 100 छात्र रोज भेजो हर साल, 100 छात्र को पढ़ाओ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाओ। बाबू बनाने में काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग, वहाँ सबको पढ़ाइए। इसमें लोग क्या कहते हैं, घिसी पिटी बात कि बाबा साहब तो भेजे थे, वो सब कहाँ घुस गए सोफे में, हाँ, पता ही नहीं लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। एक बात याद रखिएगा, पढ़े लिखे लोगों ने अगर धोखा दिया है किसके बारे में कह रहे हैं वो भी याद रखना, क्लैरिटी के लिए रखना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों ने यदि धोखा दिया है तो बाबा साहब को जिंदा कौन किया है, बाबा साहब को जिंदा कौन किया, पढ़े लिखे लोगों ने किया। वो जो बच्चे भेजे थे पढ़ने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो, उनसे 19 बच्चे का स्कॉलरशिप था सरकार से लेके, और अगर नहीं भी आए तो कम से कम अपना तो लाइफ ठीक कर लिया ना। आपने कितने भेजे 70 साल में, फर्स्ट क्लास मोटी तोंद वाला बाबूज प्रोड्यूस किए। अगर हर साल 20-50 बाम सेफ है, तमाम SC ST कर्मचारी संगठन करोड़ों रुपए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए खर्चा होगा, क्या वो कह दिया जाए चलिए वहां मिलवाते हैं नेताजी से टिकट लेना है तो बक्सा ले जाइएगा 50 लाख का, 2 करोड़ का, लेकिन बोलेंगे बच्चा दो भेजना है 10-10 हज़ार निकालिए, तो उसमें पीछे रहते हैं। मैं ये सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि मान लो 100 आप तैयार किए, 80 बेईमान भी निकल जाएगा, 20 भी ढंग का आएगा, मिशन ईमानदार लोग इसी लोग चलाएगा, इसके लिए आपको सेनापति बनाना पड़ेगा। और एक बात और, मैं किसी से एग्रीमेंट नहीं करता, हमें डिजिटल दुनिया है बेटा, समाज पैसा दिया है 1 रुपया से लेकर 50 हज़ार तक चंदा दिया है लोगों ने, डिजिटल दुनिया है, भागे तो मैं बाबा साहब का बिगड़ा चलाओ, दुनिया के किसी कोने में रहोगे वीडियो हमारे पास है। हम नहीं कह रहे कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए क्या करोगे, समाज ने तुम्हें बनाया है, समाज के जाकर पेबैक करो, उस कारवा को आगे बढ़ो। बाबा साहब से इतना ही सीखे हैं, खाली सेनापति तैयार करो, इंटेलेक्चुअल कमांडर चाहिए, वैसे लोग बनाइए। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी रहा, सब छोड़ छाड़ के वापस इधर लौटे क्यों, मुझे लग रहा है MLA MP मंत्री बनना कोई रास्ता नहीं है आपके मुक्ति का। आपको इतने लोग चाहिए कि बोले लक्ष्मण जी आप PM बन जाओ, तो लक्ष्मण बोले कि नहीं हम छोड़ दीजिए राजेंद्र जी को बनाइए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसे कि इनको लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। यहाँ तो भागम भाग है, इसका कारण है कि ज्ञान की कमी है। भारत का इतिहास उठा कर देखिए पूरा, वैसे लोग महान बने हैं जो रेनाउंसर रहे हैं, त्याग करने वाले रहे हैं, चाहे तथागत हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो। तो ऐसे पूरी जमात ऐसी तैयार करनी पड़ेगी, वो बनते हैं विश्वविद्यालयों में। इसलिए पूरा बुद्धिज्म का हिस्ट्री उठा के देखिए, उनका पूरा फोकस विश्वविद्यालयों पर था, हमने वो छोड़ दिया है।
डॉक्टर इंजीनियर खाली नौकरी करा के बोले हो गया, लाइफ सेट हो गया। भाई जो धम मानेगा, जो बाबा साहब को पढ़ेगा, जो बुद्धिज्म पढ़ेगा, उसका लाइफ कभी सेट ही नहीं हो सकता है। कि लाइफ सेट का मतलब है कि आप मर गए 25 साल में ही खाली दफनाए जाओगे 80 साल में। ह्यूमन बीइंग दिमाग चलते रहना चाहिए, सवाल इसमें पैदा होते रहना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।